हेलो फ्रेंड्स, शेंकी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मसालेदार उड़द दाल की बड़ी लेके आई हूँ। आप इस बड़ी को फ्रेंड्स किसी भी सब्जी में डालकर खाएंगे ना तो ये बड़ी सब्जी का टेस्ट बढ़ा देती है। बहुत लोगों को ये बड़ी खाने में टेस्टी लगती है लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इस बड़ी को घर पर कैसे बनाया जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स ये बड़ी आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगी लेकिन मार्केट वाली बड़ी का वो टेस्ट नहीं आता है जो घर पर बनाई हुई बड़ी का आता है। घर पर बनाना इस बड़ी को बहुत ही ज़्यादा आसान है और फ्रेंड्स आप इस बड़ी को काफ़ी सारी बनाकर लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो चलिए बड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने आधा किलो उड़द की धोई हुई दाल ली थी। आप चाहे तो छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। मैंने इसको लगभग 4 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था और आप देखिए दाल अच्छे से फूल गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। आप देखिए हाथ से ऐसे ही टूट रही है। अभी हम क्या करेंगे, दाल को दोबारा से 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेते हैं और उसके बाद हम इसका सारा पानी निकाल देंगे। और अभी हमने एक मिक्सी का जार लिया है, इसके अंदर हम पहले आधी दाल डालेंगे। और फ्रेंड्स हमें इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, यदि पीसते समय थोड़ी प्रॉब्लम हो तो हम इसमें 1-1 चम्मच करके पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। दाल को मैंने पीस लिया है और फ्रेंड्स हमें दाल को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा रखेंगे। अभी हम दाल को एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और फ्रेंड्स मैंने दाल को पीसते समय 2 बड़े चम्मच पानी का यूज़ किया था, अब बची हुई आधी दाल को भी हम ऐसे ही पीस लेंगे। सारी दाल मैंने पीस ली है। अभी मैंने कटोरी में 1 चम्मच पानी के लिए है, उसके अंदर हम आधी चम्मच हींग डाल देंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे कि हींग पानी में मेल्ट हो जाए। और अभी फ्रेंड्स हम दाल को हाथ से अच्छे से फेंटेंगे। आप चाहे तो इसे चम्मच से भी फेंट सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स चम्मच से उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जितना हाथ से आएगा। हम दाल को इसलिए फेरते हैं कि इससे दाल एकदम लाइट और फ्लफी हो जाती है। मुझे लगभग दाल को फेरते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेंगे। एक पानी की कटोरी लेंगे और उसके ऊपर दाल डाल के देखेंगे। आप देख रहे हैं दाल पानी के ऊपर है, मतलब दाल अच्छे से फ्लफी हो गई है। यदि नीचे जाकर बैठ जाए तो दाल को आप थोड़ी देर के लिए फेंट लीजिए। और अभी हम इसके अंदर जो हमने हींग रखी थी ना वो डाल देंगे। और मसालों में फ्रेंड्स मैंने 150 ग्राम अदरक लिया है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। और 100 ग्राम मैंने हरी मिर्ची ली थी, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 बड़े चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी मैं मेरे चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले हम गरम मसाला डाल देंगे, अदरक डालेंगे और हरी मिर्ची डाल देंगे। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको आज की मेरी ये मसालेदार बड़ी की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। बड़ी बनाने के लिए दाल का मिश्रण बिल्कुल तैयार है। अभी हम बड़ी बनाएंगे तो उसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और उसको मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप इसकी जगह पर कोई कॉटन की चद्दर या पॉलीथीन शीट ले सकते हैं, पॉलीथीन शीट को भी आप हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। मैं मीडियम साइज़ की बड़ी बना रही हूँ, आप चाहे तो छोटे साइज़ की बना सकते हैं लेकिन फ्रेंड्स आप बड़े साइज़ की बड़ी मत बनाइएगा क्योंकि उसे सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बड़ी बनाते समय फ्रेंड्स एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जिस दिन तेज और अच्छी धूप हो उसी दिन आप बड़ी बनाइएगा, बिना धूप के बड़ी जल्दी से ख़राब हो जाएगी। और फ्रेंड्स मैंने सारी बड़ी बना ली है, अभी आप एक तरफ से इसे 4-5 घंटे की अच्छी से धूप लगने दीजिए, उसके बाद आप बड़ी को पलट दीजिए और दूसरी तरफ से भी 4-5 घंटे की अच्छी सी धूप दिखा दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम इन्हें पलट पलट कर 5-6 दिन तक अच्छे से धूप में सुखा लेंगे। बड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है सूखकर। और फ्रेंड्स इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बड़ी अंदर तक सूख जानी चाहिए, यदि अंदर से गीली रह गई ना तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो धूप में हम इसे अच्छे से सुखा लेंगे। और अभी फ्रेंड्स हम इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भरकर 5-6 महीने आराम से खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप किसी भी सब्जी में डालकर खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप भी जरूर ट्राई करके देखिएगा इस रेसिपी को। यदि आपको आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।